वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ लोफर अंसारी। मवाना के कृषक डिग्री कॉलेज में सचिव और चपरासी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मामला सिर्फ गर्लफ्रेंड को टैडी देने का था, जिसका वीडियो चौकीदार ने बना लिया। और जब इसकी खबर सचिव अर्चना वर्मा को लगी तो उन्होंने कहा कि चौकीदार वीरपाल ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं बल्कि उनका वीडियो बनाया है। अर्चना वर्मा ने वीरपाल पर उनकी गलत वीडियो बनाने व छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। देखिए कॉलेज में हुए इस विवाद की तस्वीरें। पेपर ऊपर तो हो लिया आज। अर्चना के मुताबिक जब उन्होंने वीडियो बनाने से मना किया तो उनकी साड़ी फाड़ दी गई। क्या चौकीदार वीरपाल ने वाकई अर्चना वर्मा का वीडियो बनाया है या फिर गर्लफ्रेंड को टैडी देते हुए युवक का वीडियो बनाया है, ये जांच का विषय है। सुनिए इस विषय में पीड़ित चौकीदार वीरपाल से मिली जानकारी। अरे सर, मैं वो वहां तक तो एकदम माहौल खराब हो रहा था। वो इन्होंने लड़के सारी लड़की भेज देते हैं इधर कॉलेज का, इसके जब से इनका समय खत्म हुआ है जब से कॉलेज का माहौल ये खराब कर रहे हैं। तो बोलोगे सर बाहर के ये मैनेजमेंट भेज देती है कॉलेज का माहौल खराब करने के लिए। वो पेपर में उसकी लड़की वड़की को छेड़ दिया तो उसके चक्कर में मैं उसकी वीडियो बनाने लगा कि ताकि हम कुछ पुलिस को ठगे, पुलिस को कि यहाँ से कैसा कुछ हुआ है। इसमें पीछे ये मैनेजमेंट की गाड़ी आई और मैं हमारी वीडियो बनाई रहा, बोले कि हमारी वीडियो बना रहा है। अरे जब तुम वहाँ से किसने मारा आपको आज? आई एम सचिव, कालातीत सचिव है सर। एक साल से उसका समय खत्म हो रहा है, जब से वो आज नहीं अनेकों बार इस तरह की हरकत कर चुकी हैं। आज कुछ ज़्यादा करा उसके लड़के ने, मैंने उससे छुट कर भी भागा, वीडियो हमारे पास है सब उसके लिए। और उसके लड़के ने आके ये चक्कू मार बच गया, मैं ये चक्कू मार हमें और गाड़ी लेके एक प्रोफेसर की विमेश मिश्रा जी की गाड़ी लेके वो वहाँ से चला गया। ये रहा सर आज की घटना का। और वहीं जब इस बारे में मवाना सीओ आशीष शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कॉलेज में छात्रों के बीच विवाद हुआ था, कुछ शिक्षकों ने परीक्षा का बॉयकट किया, जिसके बाद कॉलेज पहुंची अर्चना वर्मा का कर्मचारियों ने वीडियो बना लिया जिस पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। सुनिए सीओ आशीष शर्मा से मिली जानकारी। आज कृषक डिग्री कॉलेज मवाना में कुछ बच्चों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और शिक्षकों द्वारा एक परीक्षा का बॉयकॉट किया गया था, जिस वजह से थोड़ी अफरा तफरी का माहौल बन रहा था। इसी बीच कॉलेज की जो सचिव हैं श्रीमती अर्चना वर्मा जी, उनको कॉलेज में बुलाया गया। जब ये कॉलेज में पहुंची तो वहां के चपरासी जिनका नाम वीरपाल है उनके द्वारा उनकी वीडियो बनाई जा रही थी। मैडम के द्वारा इस वीडियो को बनाने का विरोध किया गया। जब उसके द्वारा ये वीडियो लगातार बनाई जाती रही तो इनके बीच में कुछ विवाद हो गया। अब दोनों पक्षों को हमने थाने पर बुलाकर बातचीत की जा रही है और अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जा रही है। चपरासी का बेटा कहना है कि उसके बेटे ने चाकू से हमला किया। हाँ, चपरासी का ऐसा कहना है कि उसके ऊपर चाकू से हमला हुआ है, लेकिन उसको उसके द्वारा मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल में जो चीज निकल के आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।